हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू गिव सैलरी टू एम्प्लॉयज। देखिए, अगर आजकल कोई भी यही जानना चाहता है कि अगर वो कोई इंडस्ट्री ओपन करता है या कोई यूनिट लगाता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देगा, वो कैसे एम्प्लॉय रखेगा, उसको सैलरी का हिसाब कैसे बनेगा। तो इस पर्पज के लिए क्या है, तो सबसे स्टार्टिंग से चलते हैं कि जैसे कोई रिक्रूटर बनती है, बच्चे की कोई बंदा आया, एम्प्लॉय ऐसे एम्प्लॉय हमारे पास है, तो उसकी ज्वाइनिंग डेट्स हम उसका नाम रजिस्टर में लिख लेते हैं। एक रजिस्टर बन रखा होता है जो एम्प्लॉयज रजिस्टर होता है, जिसमें उसके वर्किंग डेज बनते हैं। उस एम्प्लॉय का नाम, जैसे 5th नंबर में एम्प्लॉय का नाम हो गया, उसका जिस डेट से ज्वाइनिंग है उस डेट से उसकी अटेंडेंस स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, वहाँ से जैसे जैसे वो आता रहता है बंदा, कि उसके हम वो रिकॉर्ड होता है कि उसको कितनी सी एल है, कितनी सी पी एल्स हैं, उसकी जो छुट्टीज होती हैं 1 month में, आफ्टर 1 month कंप्लीशन। तो क्या होता है, एचआर सेल्स जो जिनका कम सैलरी शीट्स तैयार करना होता है, वो क्या होता है, वो अटेंडेंस रजिस्टर से पार्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम उठाते हैं, उसके डेज देखते हैं कि उसने कितने डेज लगाए, वहाँ से उस वर्किंग डेज, टोटल वर्किंग डेज को निकाल कर जो उसकी बेसिक सैलरी है पर डे सैलरी से मल्टीप्लाई करके उसको सैलरी, उसकी जो ग्रॉस अमाउंट सैलरी तैयार करते हैं। आफ्टर दैट अगर किसी की ऐसी सैलरी लिमिट से बाहर है जो टैक्स लिमिट में आती है, कितना उसका कितना परसेंट टैक्स लगता है, कितना सर्विस टैक्स है, टीडीएस कटना है, तो वो सब कुछ जो उसकी डिडक्शन करके जो उसकी नेट सैलरी है वो सैलरी शीट में मेंशन कर देते हैं। दैट पर्पस एक एम्प्लॉय की सैलरी हम दे सकते हैं, ऐसी सैलरी एम्प्लॉय को की जाती है। और आजकल जैसे एक बायोमेट्रिक मशीन है, उसमें ऑटोमेटिकली होता है कि अगर एम्प्लॉय कितनी सैलरी है तो उसका कितना टीडीएस बनता है, कितना सर्विस टैक्स है और डिडक्शन है, ऑटोमेटिकली कट करके ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी तैयार की जाती है। थैंक यू वेरी मच।